जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया लैपटॉप अनबॉक्सिंग का लेके आ गया हूँ। और इसका जो MTM नंबर है 81LK01QTI, यानी ये इसका जो है MTM नंबर है, जो कि लेनोवा का आइडिया पैड L340 गेमिंग लैपटॉप है ये। तो इसका आज अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसका आप जनरेशन देखेंगे तो बोलेंगे ये तो पुराना जनरेशन है, बट ये लेटेस्ट है। i5 9th gen, 8GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, GTX 1050, 3GB ग्राफिक कार्ड है इसमें, 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले, 3 सेल की बैटरी है और विंडोज 10 है। ये 9th gen जो है, ये जो जनरेशन 9th gen तो पुराना है, लेकिन ये जो कंपनी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू लेके आती है और 1TB हार्ड डिस्क में ज़्यादातर रहता है। 1TB कोई कोई मॉडल 1TB प्लस 256GB SSD में भी रहता है और इसमें 3GB ग्राफिक कार्ड आता है। इसका देखिए, इसका जो अडाप्टर चार्जर है 135W का है, काफ़ी हैवी है, बढ़िया है और ये फास्ट चार्जर है। तो इससे क्या होता है कि आपका 9th gen होने की वजह से बहुत लोगों का होता है, बजट कम होता है, तो उस बजट में इनको एक 3GB ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप गेमिंग वाला मिल जाता है और हार्ड डिस्क वाला होने से सस्ता भी मिलता है। तो इसमें क्या रहता है कि आप इसमें SSD वगैरह डाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं, इसमें SSD का स्लॉट भी है। तो इसमें आपका कम बजट में और बढ़िया लैपटॉप आपको मिल जाएगा, वो भी गेमिंग लैपटॉप। इसमें आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं आता है। फिर तो ये इसमें कुछ यूज़र मैनुअल है, चार्जर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया और यूज़र इसका आपको लुक दिखा देता हूँ। ऐसे आपने अगर L340 का जो गेमिंग L340 होती है, अगर उसने आपका कभी वीडियो देखा रहेगा तो आपको लगेगा कलर सेम ही आता है, लुक सेम ही रहता है। इसके जो सीरीज़ होते हैं अलग अलग होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं। जैसे i5 9th gen ही रहेगा, SSD रहता है और एक HDD रहता है। यहाँ पे पोर्ट देख लीजिए, एक जो है चार्जर का है, कैटफाई केबल का है, HDMI है, 2 USB है, एक जो है टाइप सी का है और एक ऑडियो जैक का दिया हुआ है। ये इतने पोर्ट जो है ये लेफ़्ट साइड में दिए हुए हैं। तो इसमें कैटफाई केबल का भी है। लैपटॉप थोड़े जाड़े अगर आते हैं, आप एकदम स्लिम लेंगे तो उसमें कैटफाई केबल इंटरनेट RJ45 का नहीं रहता है। आप थोड़े जाड़े लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक लॉकर का रहता है। तो अगर आप थोड़े ज़्यादा लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आप अगर SSD लगा है तो आप उसमें HDD भी लगा सकते हो, और अगर उसमें आपका HDD लगा है तो आप उसमें SSD भी लगा सकते हो, या उसमें कैटफाई का केबल का जो है कनेक्शन भी आ जाता है। क्योंकि जब मोटा होता है तो उसमें मदरबोर्ड में वो पोर्ट वो लोग बिठा सकते हैं, अगर एकदम आप स्लिम लेंगे तो उसमें वो पोर्ट नहीं बिठा सकते हैं। लुक सामने से आप फ्रंट से देखिए, लुक आपको लगभग इसके पहले जो आपने अगर कुछ लैपटॉप देखे रहेंगे L340 गेमिंग में तो लुक लगभग सेम ही है। इसका बैकलिट कीबोर्ड आता है और इसकी जो कीबोर्ड है वो ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की आती है, और कोई कोई मॉडल का ग्रीन कलर का आता है। ये अलग दो टाइप के लगभग कीबोर्ड जो आते हैं। इसके पहले भी मैंने एक L340 का जो है अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था, लेकिन वो सीरीज़ अलग थी और ये अलग है। वो उसका जो है कीबोर्ड ग्रीन कलर का था, इसका जो है अलग कलर का है, ब्लू कलर का है। तो लुक काफ़ी बढ़िया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा ही आती है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी आती है। कॉन्फ़िगरेशन आपने देख ही लिया है। और इसमें अगर आप यूज़ की बात करेंगे तो इसमें आप यूजेस में जो है AutoCAD, Corel, 3D Max वगैरह, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आप समझ लीजिए, जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत ज़्यादा है भी नहीं, गेमिंग के जो होते हैं गेमिंग करना है बहुत ज़्यादा है भी नहीं, नॉर्मल कोडिंग वगैरह करना है आपको और बाकी ऑफिस यूज़ के सारे काम इसमें आप एकदम आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें जो है लीजन में भी आपका आता है, लेनोवो में लीजन गेमिंग आता है। HP में भी देखेंगे तो HP में भी पवेलियन सीरीज में गेमिंग आता है, और इसी तरह से ये लेनोवो में भी ये L340 का गेमिंग आता है जो कि HDD वाले होते हैं। बाकी सब में लगभग SSD और HDD या SSD इसके साथ में आते हैं। बैकलिट कीबोर्ड के साथ में है ये कीबोर्ड। लाइट ऑन होने पे थोड़ा सा अलग ही दिखता है, लगता है कि हाँ ये गेमिंग मतलब कुछ अलग लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप। बाकी इसमें सेम सभी लैपटॉप के जैसे इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाते हैं, वाईफाई का कनेक्शन मिलता है जिसमें आप कोई भी मोबाइल का हॉटस्पॉट हो गया, राउटर वगैरह हो गया, वाईफाई राउटर वगैरह हो गया, किसी लैपटॉप के हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके आप इंटरनेट एकदम इजीली इसमें यूज कर सकते हो। बैटरी बैकअप आपको कम से कम 3 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाती है, कंपनी के हिसाब से up to 8 hours होता है, बट आपको ओरिजिनल बैटरी बैकअप लगभग इतने में ही मिलता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखिए, i5 9th generation है, 9300HF CPU है, 2.4 GHz बेस फ्रिक्वेंसी है, 4 कोर है इसमें और जो थ्रेड है 8 है, 4 कोर के साथ में है। वैसे i5 आपको 4 कोर में ही ज़्यादातर मिलता है, Ryzen 5 आपको जो है 6 कोर में मिलता है, तो ये भी 4 कोर है। इसमें रैम देखिए, रैम 8 GB लगा हुआ है और दूसरा स्लॉट इसमें नहीं है, एक ही स्लॉट है जिसमें 8 GB रैम लगा हुआ है।
अभी ये मैंने अभी तक नहीं चेक किया है इसमें कि जो 108 में रैम लगा हुआ है वो सोल्डरेड है कि उसमें आप अगर कभी अपग्रेड करना है तो उसको रिमूव करके डायरेक्ट 16 GB का रैम लगा सकते हो। उसका मैं चेक कर लूँगा, और आपका अगर कुछ क्वेरीज उसके रिगार्डिंग रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। यहाँ पे हार्ड डिस्क मैंने पहले बताया WDC, यहाँ पे देखिए 1 TB हार्ड ड्राइव है इसमें, SSD नहीं है इसमें, बट SSD आपको लगाना है। यहाँ पे NVIDIA GeForce GTX 1050 का 3 GB का इसमें ग्राफिक कार्ड भी दिया हुआ है। तो 3 GB का जो ग्राफिक कार्ड होता है इसमें आपको थोड़ा सा एडिटिंग कोडिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग और इसके बाद में आपका जो है गेमिंग वगैरह ये सब कर सकते हो, तो ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ HDD है, थोड़ा लैग कर सकता है, थोड़ा स्लो हो सकता है HDD, तो उसमें आपका ऑप्शन है आप SSD भी कर सकते हो। वैसे ज़्यादा हैवी नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। i5 प्रोसेसर है, 9th Gen है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा ज़्यादा। फिर भी ऑप्शन है आपको अगर SSD करना है तो आप ये लैपटॉप बाय करते हो, आपको बजट में कम मिल जाएगा और आप बाय कर सकते हो। इसका डिटेल वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका मैं प्राइस भी आपको बता दूँगा कितने तक में ये मिल रहा है। स्क्रीन देखिए यहाँ पे फुल HD स्क्रीन है, और जो रिफ्रेश रेट है वो रिफ्रेश रेट जो नॉर्मल लैपटॉप i5 में आते हैं 60Hz, वो 60Hz ही है, और फुल HD स्क्रीन है, फुल HD IPS स्क्रीन है, जो कि ये अच्छा चीज़ है। लेकिन रिफ्रेश रेट जो है वो जैसे कि आप दूसरे i5 लैपटॉप में देखते हैं 60Hz आता है, उसी तरह से इस लैपटॉप में भी i5 के लैपटॉप में 60Hz दिया हुआ है 9th Gen में। यहाँ पे आप TPM देखिए, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि TPM क्या होता है या कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैं इसका एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ। और यहाँ से देखिए इसका TPM जो वर्ज़न होता है ये 2.0 TPM वर्ज़न होता है, ये सिक्योरिटी रिलेटेड होता है। तो इसका मैं एक TPM का कैसे चेक करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, क्या चीज़ है, उसका भी मैं एक वीडियो आपको डालने वाला हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को बेल आइकन क्लिक कर देना इस तरह से, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अनबॉक्सिंग के लैपटॉप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो कोई भी आपको वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका आप बेनिफिट ले सको। मैं यहाँ पे ढेर सारे फोल्डर ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ढेर सारे फोल्डर में ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में इसको कुछ एक आपको फोल्डर ओपन करके चेक करूँगा लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2-3 फोल्डर ओपन करने पे ही लैपटॉप अगर लैग करना है तो कर जाता है। यहाँ पे तो मैंने कम से कम नहीं तो 100 के आसपास ओपन कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया तो ये थोड़ा जल्दी ओपन हुआ है, लैग नहीं किया। अभी मैं रिस्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि रिस्टार्ट अगर करेंगे तो कितना जल्दी में ये रिस्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जब भी मैंने ये लैपटॉप को रिस्टार्ट किया था ना तो थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि ये HDD वाला है। तो HDD वाले में अगर आप मल्टीटास्किंग का ढेर सारे फोल्डर ओपन करके डायरेक्ट आप रिस्टार्ट करेंगे तो आपका कम से कम 1-1 मिनट तो ले ही लेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया था, लेकिन ये 56 सेकेंड में जो है रिस्टार्ट होकर ऑन हुआ था। 56 सेकेंड में इसकी जो मार्केट में प्राइस आ रही है, इसका जो प्राइस है मार्केट में ये 52-53,000 तक में ही मिल जाएगी आपको। 52-53,000 में बाकी अलग कुछ ऑफर है, वो ऑफर का भी आप फायदा ले सकते हो। इसलिए आप कहीं भी प्राइस वगैरह देख के बार्गेनिंग करके आप खरीद सकते हो। तो इसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बाय करना आप बाय कर सकते हो। सब मिला के लैपटॉप परफेक्ट है और इसका कॉन्फिगेशन वगैरह दे दिया मैंने। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये i5 9th Gen दोस्तों 1 TB हार्ड डिस्क और 3 GB ग्राफिक कार्ड 8 GB रैम के साथ में ये i5 लेनोवा लैपटॉप है। और यहाँ पे देखिए प्राइवेसी शटर कैमरा भी इसमें दिया था, जो कि सारे लेनोवा के लैपटॉप में प्राइवेसी शटर कैमरा आते हैं। तो इसका जो मैंने आपको रेंज वगैरह बता दिया, फिर भी कुछ क्वेरी से कमेंट करना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना इसी तरह से वीडियो देखने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।